घर पे जाएंगे मेरे भरोसे बिजली खमक रही है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज डेट है, आज डेट क्या है, चार मार्च। और मैं आया था 15 फरवरी को, तो आज मैं जा रहा हूँ 4 मार्च को वापस मुंबई के लिए। ट्रेन है मेरी 10 बजे की रात की, तो अभी बज रहे शाम के 6 बज रहे। और मैं अभी आया मंदिर पे, फार्म पे जो मंदिर है हमारा, उस पे जोत करने को, पूजा करने को। लास्ट जो कहते हैं ना, मुंबई जाते हैं तो फिर एक पूजा करके जाना पड़ता है, तो ये अमृत यहाँ पे पूजा करते हुए गोपू, बत्तू और अबू सब लोग इधर ही है। फटाफट जोत करते और फिर घर पे जाते हैं, घर पे रेडी होना है और निकलना, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने पूजा पाठ कर ली, फिर भी चलो। और बारिश का मौसम बन गया इधर, बहुत तेज से हवा आ रही है। पता नहीं ये लोग भी कैसे अभी घर पे जाएंगे मेरे भरोसे। बिजली खमक रही है, वही पता नहीं छोड़ जाएगा मेरे को। वैसे तो मेरे को दोस्त लोग छोड़ने वाले थे बाइक पे, अगर बारिश आ गई तो फिर मैं लटक जाऊंगा, क्योंकि गाँव में लास्ट बस 8 बजे की आती है और 6 बजे की। अब मैंने बोल के रखा था कि मेरे दोस्त लोग छोड़ने वाले मेरे को यही लोग, तो पता नहीं अगर अगर बारिश आ जाती है तो फिर मेरे लग जाएंगे, पता नहीं। बट बारिश नहीं आनी चाहिए, प्लीज़ भगवान दया रखना। तो गाइस, अभी हमें रात के बज रहे 8:30 और अभी निकल रहे। पहले पेट्रोल फ्यूल किया मैंने, क्योंकि अगर रात में बंद पड़ गई तो फिर मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डाल दिया अभी ये लोग के लिए, क्योंकि ये लोग वापस भी आना है फटाफट। तो अभी हम लोग निकल रहे 8:30 बजे, देखते कब तक पहुँचते हम लोग फलना स्टेशन, ठीक है। फिलहाल तो आधे 1.25 घंटे का रास्ता है, बट देखते हम लोग कितना टाइम लगता है, ठीक है। मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए वो भी। तो गाइस, पहुँच चुके हैं फलना स्टेशन, ये चाय पी के इनको भी रवाना करते, दोनों छोड़ के आए थे। चल बाय 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 बाय, आराम से जाना, चल बाय। पर हम यहाँ से स्टेशन की ओर चले, ठीक है, अंदर चलते। टिकट तो है अपने पास, डायरेक्टली चलना है। पहले वॉशरूम जाऊँगा, उसके बाद कोच के पास जाके बैठता हूँ। अभी ट्रेन को आने में लगभग 20 मिनट है, तो आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मिलते। बेमिनट रो किला इतनी हल्के पूरा अंधेरा, रात हो गई। चलो चलो चलो। तो गाइस, नीचे की सीट है बट मैंने ऊपर की ले ली है, क्योंकि ऊपर रिलैक्स होके एक अकेला इंसान सो सकता है आराम से बिना कोई डिस्टर्बेंस के। तो ठीक है, अभी काम में कॉल्स डाल के सो जाते हैं, क्योंकि 11 बज रहा है, ठीक है। अब मिलते डायरेक्ट सुबह आपको दादर पे। तो गाइस, अभी पहुंच गए हम लोग पालनपुर, बोर्ड दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वो आगे। नींद खुली है, रात के बज रहे 12:30, सोया था मैं तो, नींद खुली, बोला कौन सा सुनाया, देखते हैं। अहमदाबाद आ गया तो नहीं, अभी अहमदाबाद को टाइम थोड़ा सा, आधा एक घंटा। अहमदाबाद पे गाड़ी आधा घंटा पड़ी रहेगी, इसका इंजन चेंज होएगा। अभी तो शायद डीजल पर चलता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक लग जाएगा तो तार पर चलेगा साले। तभी ठीक है, आते हुए फ्लाइट से आए थे मुंबई टू अहमदाबाद, जाते हुए ट्रेन से जा रहे हैं। तभी करना आपको नहीं ना, घर से जब निकले तब तूफान वगैरह बारिश वारिश चल रहा था, घर वाले तो छोड़ भी नहीं रहे थे कि मत जा ट्रेन तो जान दे, मत जा करके। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 7 और अभी आने वाला है सूरत सिटी, 10 मिनट में सूरत आ जाएगा सूरत। और अभी बज रहे सुबह के 10 और पहुंच चुका हूँ मैं वापिस स्टेशन, अभी बस अभी अभी निकला है वापिस। मुंबई पहुंचने में मतलब बोरीवली पहुंचने में मिनिमम 3 घंटा बचा है, 3 घंटा भी नहीं है, 2 घंटा ही लेगा अभी, तो सुपर फास्ट है। तो मिलते डायरेक्ट अपने बोरीवली पे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ पर रुकूँ, बोरीवली या फिर बांद्रा, पता नहीं मेरे को, देखते। तो गाइस, फाइनली पहुँच चुके बोरीवली स्टेशन, अब जाएंगे यहाँ से पहले अंधेरी, यहाँ से पहले अंधेरी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मेट्रो पर अपने घाटों पर। तो चलो पहले टिकट निकालते हैं यहाँ से अंधेरी के लिए, फिर वहाँ से मेट्रो,
बहुत दिक्कत होती है यार, जब भी गांव आना जाना होता मुंबई साइड से, तो चढ़ना उतरना या फिर डुमरी जाना बहुत डिफिकल्टीज होती है। और एक मेन चीज़ कि मतलब हम जब मुंबई से गांव जाते हैं तब तो कितना खुश मतलब एक्साइटेड के साथ, जब भी आते तो वही सड़ावा मुँह लेकर आते हैं कि भाई क्यों जा रहे वगैरह वगैरह, बट आना जाना तो ज़रूरी है। तो ठीक है चलते अंधेरी। ये मुंबई की फर्स्ट लोकल, ये पहली लोकल मुंबई आकर। मैं अभी ये पाइन एपल जूस पी रहे, मैं अंधेरी नहीं उतरा क्योंकि मेट्रो से लेके, क्योंकि ट्रेन मुझे खाली मिल गई तो फिर मैं क्यों उतर गया था, ताकि मैं ना उतर गया डायरेक्टली यहाँ से मैं डोंबिवली वाली ट्रेन पकड़ूँगा डायरेक्टली घर पे। ठीक है तो गाइस पहुँच चुके डोंबिवली, और डोंबिवली आते पहले एक जूस पी रहा हूँ, फ्रेशनेस चाहिए घर के लिए, पहले खाना लेना पड़ेगा, घर पे खाना बनाया नहीं होगा तो कुछ खा के जाऊँगा फिर वहाँ जाकर फ्रेश हो जाऊँगा। तो गाइस पहुँच चुका घर पे, फटाफट नहाता हूँ फ्रेश होता हूँ अब वापस सो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बताओ कैसा लगा व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर जाना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बाय बाय।